गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट ईयर क्लास मैथ। मैथ में आपका इससे पहले मैंने बताया था, सेट के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे सबसेट क्या है। सबसेट मतलब उप समुच्चय। समुच्चय के बारे में इससे पहले लेक्चर में हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे उप समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, जो सेट होता है वो पेरेंट, जो सबसेट होता है वो चिल्ड्रन। ठीक है, आपको दिमाग में रखना, जो सेट होता है वो पेरेंट और जो सबसेट होता है वो चिल्ड्रन। जैसे मान लीजिए एक आदमी के पास इतनी जमीन है, ये क्या है, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये सेट है। उसके चार बेटे हैं, चार बेटे हैं। जब आगे चल के उसने अपनी जमीन को चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, सेट यानी समुच्चय। उसके चार बेटे हैं, चार बेटों को बराबर पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हर पार्ट इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा सबसेट, 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 सबसेट। ठीक, तभी क्या था, ये पूरा पूरा सेट जो था वो पैरेंट। ठीक, और उसके चार चार बच्चे जो है वो क्या हो गया, सबसेट हो गए। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेट पे इसको अप्लाई करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई सेट है आपके पास a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका जो सबसेट होगा, सबसेट का मतलब होता है कि इस पेरेंट में जितने टर्म हैं उसमें से कुछ टर्म इसमें सेकेंड वाले में होने चाहिए। अब जैसे b है, b आपका बना है 1, 2, 3 से, के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, यानी जो चिल्ड्रन सेट है उसके सारे एलिमेंट पेरेंट सेट में होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो चिल्ड्रन सेट होगा वो पेरेंट सेट का सबसेट कहलाता है। बी क्या है आपका, चिल्ड्रन सेट है, ये सबसेट का सिंबल हुआ, और किसका सबसेट है, ए का। तो इसको हम लोग लिखेंगे बी सबसेट ए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ए मान लो कलेक्शन ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपका सेट हो गया। सेट क्या है, पेरेंट। पेरेंट में जितना एलिमेंट है वो अगर चिल्ड्रन में होंगे तो चिल्ड्रन पेरेंट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। बी हमने बना लिया, इसमें हमने लिख दिया मार्च, अप्रैल, अगस्त। सबसेट वही होगा अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट पेरेंट वाले में हो, तभी वो सबसेट कहलाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ और लिखा होता है जो इसमें नहीं था तो ये सबसेट उसका ना कहलाता। सबसेट उसका कब कहलाएगा, देखिए मार्च यहाँ है, मार्च यहाँ भी है, अप्रैल यहाँ है, अप्रैल यहाँ भी है, अगस्त यहाँ है, अगस्त यहाँ भी है, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। और ए क्या बनेगा, ए बी का सुपरसेट होगा। अब समझो, एंड ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए बी का
आदि समुच्चय हो। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां सारे एलिमेंट निकाल दें, सारे एलिमेंट अगर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक खाली डिब्बा हो जाएगा। ठीक, ए का सारा एलिमेंट अगर गायब कर दो तो इसके पास भी क्या बचेगा, खाली डिब्बा बचेगा। यानी जो खाली डिब्बा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। तो नल सेट किसी भी सेट का सबसेट जरूर होगा। ठीक, क्योंकि बी वाला खाली कर दो तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो ये नल सेट बन जाएगा। ए वाला खाली कर दोगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो ए वाला भी क्या हो जाएगा, नल सेट बन जाएगा, रिक्त समुच्चय बन जाएगा। और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, समुच्चय की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, किसी भी सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट आपका दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसके कितने सबसेट होंगे ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ सबसेट कहलाता है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n होता है, जहां n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी सेट में कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या को n कहते हैं। n आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय में कितने अवयव हैं ये आपका कहलाएगा n, और 2 की पावर n आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ सबसेट कहलाएगा। अब जैसे देख लीजिए यहां a एक सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, उप समुच्चय की संख्या n, एलिमेंट कितने हैं 3, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में 2 into 2 into 2 is equal to 8, कितने हो गए 8, तो सबसेट कितने बने 8। अब कौन कौन से 8 बनेंगे, तो देखिए नल सेट सबका सबसेट होता है, नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपका नल सेट हो गया फाई, उसके बाद आप सिंगल सिंगल एलिमेंट रखोगे तब भी वो ए में बिलोंग करेंगे, यानी आप यहां लिख सकते हो 1 2 3, 1 भी ए में है मतलब ये क्या है, सबसेट है, 2 ए में है यानी सबसेट है, 3 ए में है यानी सबसेट है। अब दो दो को अगर कॉमन लेके चलो 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1 और 2 को देखो चेक करो है इसमें है मतलब ये भी सबसेट है, 2 और 3 के देखो है यानी सबसेट, 3 और 1 को देखो है मतलब ये भी सबसेट। और अगर ये तीनों उतार दें तो तीनों तीनों है ही है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट। 1 2 3 काउंट करो कितना भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आपने क्या रिजल्ट निकाला है, 8। नंबर ऑफ सबसेट आपको कितने मिलने चाहिए, 8। कौन कौन से मिलेंगे ये आपके सामने लिखा है, किसी भी सबसेट को अगर आप बना रहे हो तो जो नल सेट होगा वो कंपलसरी है कि हर सेट का सबसेट होगा, यानी हर समुच्चय का उप समुच्चय नल सेट रिक्त समुच्चय होता है।
आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलो एग्जांपल और देख लो। छोटा सा लेते हैं। ए बी सी डी, इसमें कितने हैं? चार। नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चय की संख्या टू की पावर एन, यानी एन में कितने वैल्यू है? एक दो तीन चार, टू की पावर फोर, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, चार तो सोलह। कितने सबसेट मिलने चाहिए आपको? 16 मिलने चाहिए। चलिए अब 16 बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहला हमारा नल सेट हो गया। नल सेट आप पाई से लिख सकते हो या ओपन ब्रेकेट ब्रेकेट रखो, खाली रखो पूरा, पाई हो गया। सिंगल सिंगल टर्म लेके चलते हैं, ए बी सी डी। अब डबल डबल लेके चलते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए। डी ए के बाद डी बी भी हो सकता है। ए बी बी सी सी डी डी ए डी बी डी सी ए सी। कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तीन भी लेके चलते हैं, ए बी सी बी सी डी। सी डी ए ओ बी डी चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। एक बार ये पूरा ले लो, ए बी सी डी। देखिए आपको 16 मिल गया, काउंट कर लीजिए 16। नंबर ऑफ सबसेट कितने मिल रहे हैं आपको? 16। सबसेट हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं हम लोग सुपर सेट क्या होता है। सॉरी सुपर सेट भी हमने बता दिया। हम लोग देखते हैं पावर सेट। देखिए एक बार मैं फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं, जो चिल्ड्रन सेट होता है वो पेरेंट सेट का सबसेट होता है, और जो पेरेंट सेट होता है वो चिल्ड्रन सेट का सुपर सेट होता है। पावर सेट मतलब घास है। बहुत आसान है। घास पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट इज पावर सेट। उप समुच्चय का समुच्चय,
समुच्चय घात समुच्चय करा देखिए जैसे मान लीजिए एक सेट आपको दे रखा के वन टू थ्री ये समुच्चय है उप समुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे उप समुच्चय लिखेंगे यानी सबसेट लिखेंगे तो सबसेट में पहला नल सेट हो गया वन सिंगल सिंगल एलिमेंट टू थ्री डबल डबल वन टू टू थ्री थ्री वन फिर एक साथ लिख लो वन टू थ्री एक दो तीन चार पाँच छः सात ये आपका क्या हो गया सबसेट हो गया और सबसेट का सेट किसी चीज को सेट बनाना हो तो क्या करेंगे खाली डिब्बे में उसको पैक कर देंगे ये आपका खाली डिब्बा पैक ये आपका क्या बन गया सेट बन गया ठीक है और सबसेट का जो सेट बना वो क्या कहलाएगा पावर सेट अब चूंकि ए का हमने बनाया तो पावर के लिए पी लगा दो ब्रैकेट में लिख दो दिस इज द पावर सेट तो किसी भी चीज का अगर आपको पावर सेट बनाना है क्या करेंगे सबसे पहले उसका आप सबसेट लिख लीजिए उस सबसेट का सेट बनाइए वो सेट आपका क्या कहलाएगा पावर सेट कहलाएगा क्लियर हो गया बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जैसे क्वेश्चन है माइनस वन 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 माइनस वन जीरो वन इसके सभी उप समुच्चय लिखने हैं और पावर सेट सेट लिखने हैं एक सेट है ए माइनस वन जीरो वन इसके सारे उप समुच्चय मतलब सबसेट लिखने हैं तो नंबर ऑफ सबसेट आप देख रहे हैं तीन एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे टू की पावर थ्री मतलब एट सिंपल है पहला फाइव फिर सिंगल सिंगल माइनस वन जीरो वन फिर डबल डबल माइनस वन कॉमा जीरो जीरो कॉमा वन वन कॉमा माइनस वन ट्रिपल माइनस वन जीरो वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए ये आपका क्या हो गया सबसेट उप समुच्चय अब पावर सेट घात समुच्चय पी ए इक्वल घात समुच्चय के लिए क्या करते हैं जो हमारा सबसेट हमको मिला है इसी को हम सेट बनाते हैं तो पहले सारे सबसेट लिख लीजिए फाइव माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो वन वन माइनस वन माइनस वन जीरो वन और इसको डिब्बे के अंदर पैक दिस इज योर पावर क्लियर हो गया
क्वेश्चन और देखिए, ए बराबर 1 2 3 4, बी इक्वल टू है 1 2 3, सी इक्वल टू है 2 4, तो सभी समुच्चय x इस प्रकार ज्ञात करो कि x सबसेट b और x सबसेट c हो। x ऐसा ज्ञात करना है कि जो b और c दोनों का सबसेट हो। फाइंड x सच दैट x सबसेट b एंड x सबसेट c, यानी x b का भी समुच्चय हो और x c का भी हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, b के जितने सबसेट हैं वो लिख लो आप, सबसेट ऑफ b, b का उप समुच्चय। फाइव बार बार ये हम लोगों ने लिख रखा है 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। अब चूंकि एक्स बी का भी सबसेट होना चाहिए और एक्स सी का भी होना चाहिए, तो सी के जितने सबसेट है वो लिख लो, सबसेट ऑफ सी यानी सी का उप समुच्चय। सी का जो उप समुच्चय होगा फाइव सबका होता है 2 4 2 4, ये हो गया। अब x देखिए, b का भी सबसेट होना चाहिए, c का भी सबसेट होना चाहिए, यानी x जो टर्म है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन देख लो कौन है, 5 और 5 दोनों में कॉमन है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई टर्म कॉमन नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, x एक सेट बनाओ जिसमें क्या होगा 5 होगा और 2 होगा, और सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेकेट के अंदर बंद कर देंगे, यानी x की वैल्यू क्या होगी 5, 2। ये जो होगा x ऐसा होगा जो b का भी सबसेट है और c का भी सबसेट है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसके क्वेश्चन करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करिए।